शिरकत की। इस दौरान बीजेपी उम्मीदवार मुकेश शर्मा ने कहा कि गुरुग्राम आज विकास के आधार पर विश्व के मानचित्र पर अंकित है और हमारी कोशिश यही है कि आने वाले दिनों में इस शहर को और सुंदर और स्वच्छ बनाया जाएगा। साथ ही मुकेश शर्मा ने कहा कि पूरे प्रदेश में बीजेपी की लहर है और प्रदेश की जनता तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाने जा रही है। मुकेश शर्मा के अलावा आदर्श ब्राह्मण सभा की ओर से आयोजित कार्यक्रम में 36 बिरादरी के लोगों ने समर्थन देने का ऐलान भी किया। देखो, पार्टी ने मुझे टिकट दी, मुझे अच्छा लगा क्योंकि मेरी 25 साल की मेहनत थी और मैं इस संगठन के लिए 25 साल से लगातार मेहनत कर रहा था। जहां भी मेरी जिम्मेवारी लगी, वहां से मैंने पार्टी को जीत दिलाई। आज तक आसाम की विधानसभा का चुनाव था 21 में, और मेरे पास दो विधानसभा थी, रोहा और जागी रोड। और उस विधानसभा में, जागी रोड में, जो जीते हुए कैंडिडेट हैं उनका नाम है पीयूष हजारिका। और मेरा विश्वास करना, मैंने सबसे मानदंड से, सबसे ज्यादा वोटों से पीयूष हजारिका जी को जिताया। और आज वो असम के सपोर्ट्स मंत्री है। भाई भाई भाई। दिल्ली में मेरी जिम्मेवारी लगी, अभी जो चुनाव लोकसभा का गया, हम हरियाणा का चुनाव देख रहे थे। माननीय राव इंद्रजीत जी जो हमारे सांसद साहब है, हमारे मंत्री है राज्य मंत्री कैबिनेट में, और स्वतंत्रता प्रभार उनके पास है। तीनों दफा हमारा सौभाग्य रहा कि हमारे सांसद साहब तीनों की तीनों दफा हमारे यहाँ से मंत्री बने, और उनका भरपूर आशीर्वाद और उनका प्यार और स्नेह, उनके आशीर्वाद से हमें भी अब की बार भारतीय जनता पार्टी की टिकट का। और इसी बीच एक बड़ी खबर का